आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। डॉक्टर आरपी सिंह शेखर नर्सिंग होम सठिया आजमगढ़, प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर सिंह शेखर सोशल महिला महाविद्यालय एंड एजुकेशनल फाउंडेशन सम्मोपुर सिधारी आजमगढ़ की तरफ से समस्त नगरवासियों, जनपदवासियों तथा देशवासियों को नव वर्ष व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ सर, अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर आरपी सिंह शेखर नर्सिंग होम सठिया आजमगढ़ से। सर, हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व गणतंत्र दिवस है सामने, सर उसके उपलक्ष्य में अपने जनपदवासियों और देशवासियों को किस तरह से सर शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम गणतंत्र जी, स्वतंत्र गणतंत्र और इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं। मैं पूरे जनपदवासियों को, देशवासियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इसको एकदम मिल के, कोई भी ये किसी जात या इस पर न जाए, सारे लोग, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, बड़े गर्व से इसको हमको मनाना चाहिए क्योंकि इस दिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे, गणतंत्र। सर, देश में हमारे जैसे कि ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोविड का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जी जी, जिसमें फैलने की तो जो जो रेट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है जी, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है अगर हम प्रिकॉशन में रहें। हम सबसे बड़ा प्रिकॉशन इसका है कि हम कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करके रखें, स्वयं को सुरक्षित रखें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। सर, जनता को कुछ इसके बारे में सुझाव देना चाहेंगे इससे बचने के? मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ, मेरी पूरी सारी इस शुभ अवसर पे, गणतंत्र दिवस पर, मैं जनतावासियों से मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, दूरी बना के रखिए, बाजार में घूमिए मत, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कहीं रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए, पानी बॉयल करके लीजिए, उबाल के पानी पीजिए और मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करके रखिए।